डियर स्टूडेंट्स आज के मॉड्यूल में हम फाइलम सिलेंट्रेटा के इम्पॉर्टेंट फीचर यानी आल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को डिस्कस करेंगे ज़्यादातर कनाइडेरियन्स के अंदर टू बॉडी फॉर्म्स मौजूद होती हैं इनकी किसी भी कनाइडेरियन किसी भी सिलेंटरेट के एनिमल की आप लाइफ हिस्ट्री देख लें इसकी टू स्टेजेज हैं एक को हम कहेंगे पॉलिप और दूसरे को हम कहेंगे मडोसा पॉलिप जो है यूजली से स्ट्रक्चर है ए सेक्शुअल है नमली पॉलेप इट अटैचि इट्सल्फ टू समेट थ्रू इट्स ए बोरल एंड और जो इसकी सिलेंड्रिकल बॉडी है उसको हम कहेंगे कॉलम इसमें माउथ है माउथ जो है दिस इज बाउंडेड बाय स्ट्रक्चर्स विच आर नोन एज टेंटिकल्स अब जो दूसरा स्ट्रक्चर है मेडूसा दिस इज डायोशियस इट इज़ फ्री स्विमिंग वाटर के अंदर फ्रीली मूवेबल है इट इज़ शेप्ड इन्वर्टेड। आप समझ लें इसकी शेप कैसी है लाइक इनवर्टेड बाउल जिस तरह से ऐसे इन्वर्टेड बाउल्स है और इसके ये इसके टेंटिकल्स होंगे दैट आर प्रेजेंट एट द मार्जिन ऑफ द बाउल माउथ ओपनिंग्स जो हैं दे आर नॉर्मली फेसिंग डाउनवर्ड अब ये माउथ है ये इसके टेंटिकल्स है और ये कैविटी है मैं जो है दिस नॉर्मली मूव्स आउट बाय द जेंटल पल्सेशंस ऑफ द बॉडी वॉल मिजोकलिया इसके अंदर ज़्यादा एबंडेंट है मेडूसा में एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ द पॉलिप गिविंग इट्स जेली लाइक कंसिस्टेंसी जब भी हम एक नाइडेरियन का लाइफ साइकिल देखें तो इसके अंदर हमें पॉलिप मेडूसा दोनों स्ट्रक्चर्स नज़र आए तो इस तरह की स्टेज जिसके अंदर ये दोनों स्ट्रक्चर्स आल्टरनेट करें उसको हम कहते हैं आल्टरनेशन ऑफ जनरेशन अब इस डाइग्राम से हम एक जर्नलाइज नाइडेरियन लाइफ साइकिल को डिसकस करते हैं दिस इज एन टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रा इसमें आप देखें दिस इज इट्स माउथ द माउथ इज़ सराउंडेड बाई द टेंटिकल्स टेंटिकल्स का नंबर आप देखें डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट होगा अब इसमें जो इंटरनल बॉडी कैटी है दिस इज़ गेस्ट्रोवेस्कुलर कैटी और बाहर वाले सेल्स जो हैं दैट दे आर कॉलम शेप इन साइड इज मिजोगलिया अब ये जो है हाइड्रा वेन एवर देर इज अ प्रोसेस ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन दैट इज कॉल्ड बडिंग अब इस बडिंग के थ्रू यहाँ पे जो स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है दिस इज़ मेडूसा मैडूसा जैसे कि आपको पहले भी हमने बताया कि मेडूसा जो है इट्स लाइक एन इन्वर्टेड बाउल इन्वर्टेड बाउल को आप देखें तो टेंटिकल्स नीचे की तरफ आ जाएंगे माउथ जो है वो मार्जिन पे चला जाएगा गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी जो है वो ऊपर चली जाएगी और मेज़ोगलिया भी ऊपर चला जाएगा अब इस मेडूसा से जो स्ट्रक्चर बनेंगे दैट इज़ कॉल्ड एग मेडूसा हमने कहा कि ये सिसाइल है नॉन मोटाइल है सिमिलरली वाटर के अंदर स्पर्म्स जो हैं दीज आर द स्ट्रक्चर दैट आर फ्री फ्लोटिंग इन वाटर दे आर हैविंग अ फ्लेजैलम जब वाटर में एग मौजूद होगा तो स्पाम जो है ये मूव करते हुए एग तक आ जाएंगे और एग और स्पाम की री यू यूनियन होगी दिस यूनियन इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन आफ्टर फर्टिलाइजेशन द स्ट्रक्चर फॉर्म इज़ कॉल्ड जायगॉर्ड जायगॉर्ड में अंदर रिपीटेड सेल डिवीज होंगी और उसका नेट रिजल्ट क्या होगा आप बाल ऑफ सेल्स विल बी फॉर्म दैट इज कॉल्ड ब्लैटूला ब्लैस्टूला से फिर बनेगा इंडिपेंडेंट फ्री मूविंग लार्वा जिसको हम कहेंगे प्लानुला प्लानुला जो है ये फ्री स्विमिंग करता हुआ बट आफ्टर समाइम इट विल सेटल जब यह सेटल हो जाएगा तो उससे फिर बनेगा पॉलिप और पोलिप जो है दिस विल देन डवेलप इन टू एन कम्प्लीट अडल्ट और कंप्लीट एडल्ट से फिर बर्डिंग होगी फिर इससे बनेंगे मेडूसा तो इसकी जनरलाइज्ड क्राइडेरियन की लाइफ साइकिल में दो स्ट्रक्चर जो हैं पॉलिप एंड मेडूसा दे नॉर्मली आल्टरनेट इसलिए इसको हम कहते हैं आल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में दोनों रिप्रोडक्शन के प्रोसेस एसेक्शुअल और सेक्शुअल दे आर रिपीटेड so this is an beginning of the life cycle of complicated animals so this is a generalized example of alternation of generation in phylum cnidaria